आज उपस्थित हुए बताने के लिए LIC वर्सेस LIC म्यूचुअल फंड के बीच में अंतर का। तो दोस्तों सबसे पहली बात, LIC एक जीवन बीमा कंपनी है, जबकि LIC म्यूचुअल फंड LIC की ही एक सहयोगी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कही जाती है, जो एक म्यूचुअल फंड हाउस है, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो इसी तरह के एक स्वायत्त कंपनी है LIC म्यूचुअल फंड, जो LIC से ही निकली हुई एक अलग आइडेंटिटी है। दूसरा बात है दोस्त, LIC ऑफ इंडिया से अगर जो पॉलिसी आप लेते हैं तो पॉलिसी की जो भी मेच्योरिटी अमाउंट आएगी 5 लाख से कम का प्रीमियम का, वो आपको टैक्स फ्री होगा, और 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम का जब भी मेच्योरिटी अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा। और कि LIC से जो मिलने वाला मेच्योरिटी अमाउंट है वो एक अनुमानित राशि है, और म्यूचुअल फंड से भी मिलने वाला जो अमाउंट है वो एक अनुमानित राशि है। पॉइंट नंबर 3, म्यूचुअल फंड स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है, अन्य इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, और गोल्ड में, सिल्वर में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। जबकि LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि आपको बॉन्ड्स के अंदर, प्रतिभूतियों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना उसकी बाध्यता होती है, जिसके वजह से वहां पे रिटर्न काफी कम हो जाता है, और रिटर्न इतना कम हो जाता है कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके विविध पोर्टफोलियो बनाता है, अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है, और यही एक प्रमुख वजह है म्यूचुअल फंड्स में कि चाहे कोई 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हो, चाहे 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हो, चाहे कोई 1000 रुपए के SIP करता हो, चाहे 10 लाख रुपया महीने का SIP करता हो, दोनों का रिटर्न बराबर होता है। छोटे समय स्लॉट के ऊपर प्रीमियम रेट डिस्काउंट नहीं मिलता है, जबकि बड़े समय स्लॉट के ऊपर हायर प्रीमियम सम एश्योर्ड डिस्काउंट दी जाती है। एक बहुत बड़ा भेदभाव है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, जिसमें कि बड़े बीमा धारक को प्रीमियम रेट में डिस्काउंट मिलता है, जिसको ट्रेवलर प्रीमियम डिस्काउंट रेट बोला जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में चाहे आप 100 रुपए के SIP करते हो, 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, 5000 इन्वेस्टमेंट करते हो, या 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, सभी के लिए समान रिटर्न प्रदान करी जाती है। तो बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों इस सोच के पीछे, जिसको आप गंभीरता से समझेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित तौर पे एक बेहतरीन निर्णय है म्यूचुअल फंड में निवेश करना। अब बात करते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम हो सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे ज्यादा टर्म के लिए। तो आप पाएंगे कि जो सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न रहे हैं वो पिछले 1 सालों में लगभग 100%, पिछले 5 सालों में लगभग 40%, पिछले 10 सालों में लगभग 30%, पिछले 20 सालों में लगभग 22% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिखाया है। जबकि LIC ने अमूमन 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के टेनोर में अगर आप IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें तो 4% से लेके 5% के बीच में ही आता है, जो किसी भी पैरामीटर्स पे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। LIC पॉलिसी परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन कौन सी वाली LIC पॉलिसी? तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है और क्यों आपको LIC पॉलिसी की जरूरत है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई LIC की पॉलिसी लें तो सबसे पहले इस बात का आप मुझे उत्तर जरूर दें कि आपको LIC पॉलिसी क्यों चाहिए। दोस्तों मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं पिछले 25 साल से ज्यादा समय से इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लाखों परिवार को अब तक हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन सहायता, जानकारी, मदद एवं इन्वेस्टमेंट प्रदान कर चुके हैं, जिसका फायदा लाखों परिवार ने उठाया है। आप हमारे चैनल पे
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इसी के साथ आपसे प्रार्थना भी कि अगर आप दिल्ली और NCR में रहते हैं तो हमारे दिल्ली के अंदर 2 ऑफिसेज हैं, पश्चिम बिहार में और नागलोई में। आप अपना समय लेके अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। 30 मिनट का समय मिलेगा आपको, जिसमें आप अपने सभी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।